हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमपीपीएससी के 11 डिफरेंट स्कोर कार्ड देखेंगे, उसके बेसिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा और कितने स्टूडेंट के कितने GS1 और GS2 में मार्क्स रहे। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला देख लेते हैं, इसमें मैंने नाम हाइड कर दिया है फॉर द पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड करने के लिए, किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन न हो इसलिए मैंने हाइड कर दिया है। आप देख सकते हो इसमें GS1 41, GS2 168, दिस इज़ द स्कोर कार्ड। इनका फॉरेस्ट प्लस जो सिविल है दोनों में होने की पूर्ण संभावना है। इट इज़ द बेस्ट स्कोर 144। दूसरा देखते हैं 152 और 144, इनका भी फॉरेस्ट में होने की पूर्ण संभावना है और साथ ही साथ सिविल में तो कंफर्म होना है। 152 मतलब 76 क्वेश्चन करेक्ट इनके। नेक्स्ट आप देख सकते हो स्कोर कार्ड 2021 का है ये, GS1 136, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 142। हालांकि ये जो जिस स्टूडेंट ने भेजा वो EWS है, EWS, तो इनके नेट क्वेश्चन हुए 68 करेक्ट, तो इनकी संभावना है कि होने के चांसेस है। 68 क्वेश्चन नेट। और आप देख सकते हो GS2 में 142, EWS से होने की संभावना है दोनों में। देख सकते हो आप GS1, GS2, GS1 में 150 और GS2 में 105 मार्क्स। यहाँ देख सकते हो आप 194 में से 142 और 196 में 136, 142, 130। नेक्स्ट आप ये स्कोर कार्ड देख सकते हो, इनके 136 है 194 में से और 196 में से 122, 136 पहले पेपर में और 122। नेक्स्ट GS1 194 में से 142, पेपर टू 196 में से 148, 142 पहले पेपर में और 148 सेकंड पेपर में। यहाँ देख सकते हो आप पहले पेपर में 146 और दूसरे में 116। वन फोर्टी सिक्स और 116 अंक। यह आप देख सकते हो 150 पहले पेपर में। ये 152 और 144। तो ये रहे स्कोर कार्ड। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, आप यदि देखते हो 2020 का, तो उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 70 क्वेश्चन। इस साल 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, ठीक। तो आपका कट ऑफ आएगा 97 में से, तो 97 क्वेश्चन में से जनरल की संभावना है 71 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। यह रहेगा जनरल का कट ऑफ। जिसके भी 70 प्लस है वो तो स्टार्ट कर ही दे, और जिनके 73 74 है उनका कन्फर्म है कि जनरल से प्री रुकने वाला नहीं है। अब देखते हैं AWS का। AWS का जाएगा 69 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन से ध्यान रखने की बात यह है, ये है कि ये क्वेश्चन है 69 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन। जिसके भी 69 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन है वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, और जो 69 के ऊपर है वो कंफर्म समझिए कि उसका प्री EWS से हो रहा है। सेम कंडीशन जाएगी आपकी OBC के लिए, 69 प्लस
प्लस माइनस टू। हालांकि ये रिजर्वेशन पे भी डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। माननीय उच्च न्यायालय में जो केस पेंडिंग है MPPSC से रिलेटेड, यदि डिसीजन 27% के पक्ष में आता है तो कट ऑफ 69 प्लस माइनस टू रहेगा, और यदि जो कट ऑफ है आपका वो 14% से आता है तो थोड़ा इरेगुलर में कट ऑफ की उछाल देख जाएगी, बोथ इन फीमेल एज वेल एज इन मेल ऑफ OBC। अब बात कर लेते हैं SC की, तो यहाँ आप 68 प्लस माइनस वन, ये अंदाजा है कि EWS का कट ऑफ 68 प्लस माइनस वन फॉर द SC। ST के लिए देख लेते हैं, इनका भी 67 67 प्लस माइनस वन, ये जाने की संभावनाएं देखिए। हालांकि रिजल्ट जो अपना हाई कोर्ट है उसका डिसीजन के बाद ही आएगा, इसमें पता नहीं कितना टाइम लगता है, क्योंकि पिटीशन जो काफ़ी पिटीशन है, 60 से ऊपर पिटीशन दायर की गई है, और किसी ने रिसेंटली जो महाराष्ट्र का जो मराठा रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की हाई कोर्ट में, तो जो कि 1000 लगभग लगभग 600 पेज की है, तो ये केस थोड़ा लंबा चल सकता है, पर माननीय उच्च न्यायालय इसे जल्दी ही निपटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस देखने मिल रहा है हाई कोर्ट से, तो आप देख सकते हो। तो जिसके भी 70 प्लस है, कोई भी कैटेगरी से हो, उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक, यदि आपकी कोई क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपना स्कोर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कीजिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को हिट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।